नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरभंगा में, बिहार के दरभंगा में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर दिया गया है। आपको बता दें कि शराबबंदी के विरोध में नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। जिस तरह से लगातार शराबबंदी कानून पर सवाल उठ रहा है, ऐसे में आज फिर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने श्यामा मंदिर जो आगे दरभंगा में है उसके आगे जो यहाँ पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के सामने ही सड़क पर ये पुतला दहन किया गया। सबसे पहले जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने पुतला बनाया, उसके बाद नीतीश कुमार के तस्वीर को लगाया, उसके बाद नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगाते हुए इस पुतला को आगे तक लाया गया, उसके बाद पुतला दहन किया गया है, जिसका नेतृत्व लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष जो हैं गगन झा, जो वर्षों से लगातार लोक जनशक्ति पार्टी में हैं और लगातार अपनी पार्टी के लिए बेहतर काम करते आ रहे हैं, उन्होंने आज यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार पुतला दहन किया है। दलित सेना के जिला अध्यक्ष हैं राजकुमार पासवान, जो हायाघाट क्षेत्र के पतोर के रहने वाले हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने भी वो भी लगातार लोक जनशक्ति पार्टी के लिए लगातार मेहनत करते हैं, खासकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव जो हैं प्रदीप राय, जो बहेरी के बिठौली के रहने वाले हैं, वो भी लगातार अपनी पार्टी के लिए एक्टिव हैं और पटना हो या बिहार के किसी भी कोना में वो लगातार अपनी पार्टी के लिए एक्टिव हैं। साथ ही बहेरी प्रखंड के जो यहाँ पर प्रभाष लाल देव हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी पुतला दहन में कार्यक्रम में शामिल हुए। राहुल पासवान जो दलित सेना के जिला प्रधान महासचिव हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अशोक पासवान बहेरी दलित सेना के अध्यक्ष, बहेरी दलित सेना के प्रखंड अध्यक्ष हैं। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित रहे, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया है, शराबबंदी अगर फेल है तो उसे चालू कर दिया जाए, ऐसी मांग। आइए सुनते हैं गगन झा ने क्या कहा है, विशेष कवरेज देखिए। क्या कहते हैं, बिहार के 38 जिला में आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। आपको ज्ञात होगा जो माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में क्या कहा था, सदन में ये कहा था जो जहरीली शराब पिएगा वो मरेगा। माने एक अभिभावक का काम यही होता है, जो पीते हो तो मरो, पीने का ये व्यवस्था करवाया गया है। साजिश के तहत जहरीली शराब पिलाने का कार्य माननीय नीतीश कुमार ने किया है, इसीलिए आज तमाम बिहार के हरेक 38 जिला में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व में पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। आपको ज्ञात होगा कि बिहार में लूट, हत्या, अपहरण की मामला भी बढ़ गई है। दलितों पर, जैसे दलित को पता दिया जाता है शराब का बोतल फेंक के उसको जेल में भेज दिया जाता है, अति पिछड़ा को जेल में भेज दिया जाता है। इसीलिए आज हम लोग ये मांग करते हैं, यदि आपका शराबबंदी कानून पूर्ण रूपेण लागू नहीं हो पा रहा है तो शराबबंदी कानून को वापस ले लीजिए और शराब को फ्री कर दीजिए, शराब को चलते रहने दीजिए। यदि नहीं तो पूर्ण रूपेण शराबबंदी लागू करना होगा। इन्हीं मांगों को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं ना, उनके कानून व्यवस्था के नेतृत्व में शराब माफियों के द्वारा मंगाई जा रही है। ये सोचा समझा साजिश है, तो एक दलित के एक आदमी को फंसा के जेल में भेजा जाता है, दलित शोषित पीड़ित आदमी को फंसाने की एक साजिश है और इस सरकार में बदनाम करने के लिए यह कोशिश किया जा रहा है। आज क्या किया आप लोग? हम लोग पुतला दहन किया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। कहाँ पर किया? ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के थाना गेट पर किया गया है। क्या नाम दीजिए? गगन कुमार झा, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश भर के 38 जिला मुख्यालय पर हम लोग आज माननीय नीतीश जी का पुतला दहन करने का हम लोग का प्रोग्राम था, वो हम लोग बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता लोग जुटे थे। हम लोग बिहार सरकार के गलत नीतियों और कुरीतियों के कारण शोषित वंचितों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप लोग को मालूम होगा अभी शराब कांड हुआ था जिसमें सैकड़ों आदमी जहरीली शराब पी करके मर गए हैं, उसमें हम लोग का पार्टी का सभी कार्यकर्ताओं का उस परिवार के प्रति सांत्वना है और हम लोग प्रदेश सरकार से मांग करते हैं जो उनको मुआवजा दे, सरकार उनके आश्रितों को मुआवजा दे। और ये दारू जो बंदी है प्रदेश भर में, कहने के लिए दारू बंदी है लेकिन घर घर ये होम डिलीवरी की तरह मिल रहा है, इस पे सरकार अंकुश लगाए। अगर पूर्ण शराबबंदी करना है तो इसको पूर्ण शराबबंदी करे। एक तरफ देखा जा रहा शराबबंदी और नए जनरेशन के लोग व्हाइटनर, सुलेशन, कोरेक्स, सिरप, नशे आदि भी हम लोग मांग करते हैं सरकार से, तो इस सभी तरह के नशाओं पर अंकुश लगाया जाए। अगर सरकार की अगर मानसिकता होगी तो हर चीज़ संभव है,
लेकिन सरकार माफिया द्वारा संचालित है। इसमें बड़े बड़े माफिया बैठे हैं जो कि शराब को बड़े से बड़े खेप में ला करके बेचा जा रहा है और इसमें करोड़ों रुपए वो लोग कमा रहे हैं। और देखिए एक एक विवंदना है जो बिहार सरकार ने बोला जहीं जहाँ किसी कैंपस में मिलेगा उस शराब जिस कैंपस में मिलेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो बिहार में मिलेगा तो बिहार का अगर वो मुखिया है तो उन पे भी जिम्मेवारी आती है जो बिहार में कैसे ये शराब मिल रहा है इतना और इतने संख्याओं में लोग की मौत हो रही है डुप्लीकेट शराब। आप तो यूनिवर्सिटी के यही हम लोग मांग करते हैं आपकी अगर अगर आपका अगर नियत ठीक है अगर तो आप इस दारू को सही से लागू कराइए, बंदी को सही से लागू कराइए। सो नहीं लागू करा करके हरेक सरकारी महकमा हरेक जगह देखिए तो दारू का बोतल दारू का खुलेआम बिक्री चल रहा है। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं और भर हम लोग विरोध करेंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे हम लोग। हमारा नाम प्रदीप कुमार राय हुआ, हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। आज हम लोग विश्वविद्यालय के कैंप गेट पर मेन गेट ललित नारायण विश्वविद्यालय के गेट पे हम लोग आज पुतला दहन किए हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था यहाँ पे। ये दलित बंदी सरकार है, ये दलित बंदी सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है, अति पिछड़ा विरोधी सरकार है। ये सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और ये दारू बंदी, ये छपरा की घटना देख लीजिए, जो छपरा में जो जहरीली शराब से मौत हुई है, ये कई दलित महादलित परिवार के जो लोग हैं वो काफ़ी संख्या में मरे हैं। ये कम से कम उस समय तो 100 के पार मरे हैं। हम लोग उस आश्रित परिवारों को हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं कि उस आश्रित परिवार को मुआवजा देने के काम करेंगे। अपना नाम बताइए। ये मेरा नाम हुआ राज कुमार पासवान, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का। आज जिला में माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। अरे कौन कहता है नीतीश कुमार अति पिछड़ा की सरकार है, गरीब की सरकार है। यह जो है नीतीश कुमार गरीब गुरुओं का यह जो है दुश्मन है। इनको एक एक लोग वोट देने का काम किया, गरीब गुरुआ सब अति पिछड़ा। लेकिन इन्होंने गठबंधन करके सारा बिहार को जनता को मिट्टी मिला रहे हैं। हम आग्रह करेंगे, अरे आने वाला दिन नीतीश कुमार को बहुत दूर दिन है, देख रहे हैं सारा जो जहाँ लड़ाई हो रही है वहाँ सब जगह बेमौती हार रहे हैं। आने वाला दिन हम एनडीए गठबंधन का काफी मजबूत है, मजबूत रहेंगे। और नीतीश कुमार होश में आवे, कम से कम दारू बंद कराना है तो फूल बंद करे, नहीं तो दारू को फ्री कर दे। क्या नाम बताइए? मैं प्रभास लाल देव बहरी।